हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं वाफल्स। तो पहले प्लान था बच्चों के लिए वाफल्स बनाएंगे, बट फिर सबके लिए बना दिए एंड ब्रेकफास्ट इज़ डन। और उसके बाद फिर मैंने ना लंच टाइम में रिकॉर्ड किया है, तो लंच के लिए आज हम लोग आए हैं बाहर। सो लंच के लिए आज हम लोग पीटा इन रेस्टोरेंट आए हैं। ये एक मेडिटेरियन क्यूसीन रेस्टोरेंट है। अच्छा, इसकी चेन ना फ्लोरिडा में नहीं है, तो पुष्पेंद्र इसको हमेशा मिस करते थे। सो आज सोचा लंच के लिए यहीं आए। यहाँ पे फलाफल वगैरह जो भी मेडिटेरियन मेन्यू होता है, पीटा ब्रेड्स, ये सब होता है। और पुष्पेंद्र को यहाँ का चिकन बहुत पसंद है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं पुष्पेंद्र और हम लोग वेजिटेरियन हैं। हाँ, हम लोग वेजिटेरियन हैं, बट पुष्पेंद्र समटाइम्स ट्राई चिकन। सो टुडे इज़ द डे 4 इन शिकागो और अभी शाम का टाइम है और आज डिनर पे बुलाया है मेरी जो यूट्यूबर फ्रेंड है प्रिया, उन्होंने। तो वहीं जा रहे हैं हम लोग और टाइम हुआ है अराउंड 6:30। ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, 2 साल पहले ही हम लोग गए थे उसके घर। तो चलिए आप लोगों को भी मिलवाऊंगी प्रिया से। ओके, तो हम लोग आ गए हैं प्रिया के घर और जाते ही हमें वेलकम ड्रिंक में प्रिया ने जो ठंडाई होती है वो बना के पिलाई, जो कि बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने खुद ही बना रखी थी। और यहाँ पर हम लोग बैठे बातें करी। तो प्रिया जो है यूट्यूब से ही मेरी फ्रेंड बनी है, वो अपनी फैमिली के साथ शिकागो में रहती हैं, उनके 2 प्यारे से बॉयज़ हैं। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए। ये उनका छोटा बेटा है, ही इज़ वेरी वेरी क्यूट। और प्रिया ने ना इंडो वेस्टर्न स्टाइल का मेन्यू बनाया था, कुछ इंडियन चीज़ें थीं, कुछ बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह था, तो ये सब। और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके, हमने बहुत सारी बातें की, यूट्यूब से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें की। इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली बहुत वेलकमिंग है, उनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ और वेलकमिंग है, बहुत अच्छा लगा। और फिर खाना खाने के बाद और बैठे हुए थे हम लोग, बातें कर रहे थे, लास्ट में उन्होंने बनाई थी यमी सी खीर, तो इतना ज़्यादा और खाना खा लिया था। और फिर बच्चे सब आपस में मिलके खूब खेले एंड इट वाज़ अ फन फिल्ड इवनिंग स्पेंड विद हर फैमिली। थैंक यू प्रिया। ओके गाइस, तो अभी है नेक्स्ट डे। अच्छा, ये जो शिकागो का ट्रिप था ये हमको 1 वीक का ही प्लान करके हम लोग आए थे, बट फ्रेंड्स लोगों ने कन्विंस कर लिया कि ये 2 वीक्स का हम ट्रिप कर लें, तो काफ़ी लंबा ट्रिप हो गया। सो यहाँ पर लंच में कड़ी और राइस बने हैं। कड़ी जो है वो पापड़ वाली कड़ी है जो सौम्या ने बनाई है, वो एक मारवाड़ी फैमिली से है तो वहाँ पर बहुत बनती है उनके यहाँ। और उसके बाद बच्चों को रेडी करके हम लोग निकले हैं बाहर। तो हम बच्चों को ना आज लाइब्रेरी लेके जा रहे हैं, तो बच्चों की ना कुछ कुछ एक्टिविटी है वहाँ पे, तो सिया और भूमि थोड़ी इंगेज हो जाएंगी। और चलिए फिर आपको भी थोड़े लाइब्रेरी के ग्लिम्स देती हूँ। सो लाइब्रेरी से हम लोग टाइमली फ्री हो गए थे। सिया और भूमि ने वहाँ पे कुछ कुछ क्राफ्ट एक्टिविटीज़ की। शाम के टाइम हम लोग आ गए थे रूबी के घर, तो यहाँ पे चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह हुआ और उसके बाद डिनर भी आज यहीं पे है। तो रूबी की मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ समर में यहाँ आए हुए हैं। सो आंटी ने सभी लोगों को यहाँ पर आज डिनर पे बुलाया था, बाकी फ्रेंड्स भी ज्वाइन हो गए थे। और ये है हमारी डिनर थाली। तो आंटी ने काफ़ी अच्छा खाना बनाया था, छोले भटूरे रायता और ये सब। थोड़ी बहुत हेल्प हम लोगों ने कराई थी, बाकी आंटी ने सारा कुछ ऑलरेडी प्रेप किया हुआ था। और यहाँ पर फाइनली हम लोगों ने मिले, बातें की और वहाँ से आ गए। तो अभी है नेक्स्ट डे, डे 6 हो गया है आज हम लोगों को। और यहाँ पर व्हीट ब्रेड जो है उसको थोड़ा सा टोस्ट किया है और जो दही है उसका पानी पूरा निकाल दिया है। तो सौम्या ये दही वाले सैंडविचेस बनाती है जो कि काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी बच्चों में, इसलिए रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट आई विल ट्राई टू शेयर इन फ्यूचर। और यहाँ पर अभी हम लोग लंच के लिए आए हैं मैकडोनल्ड्स। तो यहाँ पे ना हम लोग ग्लोबल मेन्यू ट्राई करने वाले हैं। तो आज ना इंडियन मेन्यू में मिलेगा मैक आलू टिक्की बर्गर, जो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने पहली बार यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का आलू टिक्की बर्गर खाया। इससे पहले मुझे यहाँ का पता नहीं था, बट वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी अबाउट दिस और फिर हम लोग आए। तो मैं ना इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप लोग चेक कर सकते हो। उसी दिन फिर हम लोग वहाँ से लंच करने के बाद निकले लिंकन पार्क ज़ू बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का समर वेकेशन है तो उनको इन्जॉय करवाना तो बनता है, और ज़ू से ज़्यादा अच्छी प्लेस क्या हो सकती है बच्चों के लिए। तो सिया और भूमि ने ज़ू में बहुत इन्जॉय किया, एक्सप्लोर किया। Mm-hmm.
सो जू में कई आवर्स हम लोगों ने स्पेंड किए और उसके बाद हम लोग शाम को चले गए थे इस्कॉन टेम्पल शिकागो। तो वहाँ पे कई सारे फेस्टिवल्स वगैरह पे हम लोग पहले गए हुए हैं, सोचा आज जाके थोड़ा भजन कर लें। सो डिनर के लिए हम लोग चले गए थे मोमो फैक्ट्री, जो कि एक नेपलीज़ फूड रेस्टोरेंट है और यहाँ पर बहुत अच्छा नेपलीज़ फूड और स्पेशली मोमोज वगैरह मिलते हैं। तो इफ़ यू आर अ मोमोज लवर तो यहाँ पे कई वैरायटी के स्पाइसी चटनी के साथ मोमोज वगैरह के ऑप्शंस थे, तो वो सब हमने खाए। बच्चों के लिए भी कुछ कुछ वहीं से ले लिया था एंड फाइनली वहाँ से डिनर हो गया था। तो इस तरह का आज का जो दिन था ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब फन फील्ड और टायरिंग भी हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हमने की। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट डे है डे 7 और आज का दिन थोड़ा ईजी ही रहेगा। तो ब्रेकफास्ट में सौम्या ने यहाँ पर वर्मेसिली बनाई है। अच्छा, वो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करने दे रही थी, थोड़ी बहुत ही मैं हेल्प करा पा रही थी, बट मोस्टली वो काम सारा कर ले रही थी। और उसके बाद ना आफ्टरनून में बच्चे थोड़ा बोर हो रहे थे, आज एक वर्किंग डे था तो आज ज़्यादा कहीं जाना नहीं था, तो मैं बच्चों को ना नियर बाई लाइब्रेरी ले गई थी। तो ये लाइब्रेरी में मैं सिया जब छोटी थी तो उसको स्टोरी टाइम और सब सेशंस के लिए लाया करती थी। अब ये लाइब्रेरी काफ़ी यू नो बदल गई है, बहुत सारे अंदर नए स्ट्रक्चर्स, नए टॉयज़, नया फर्नीचर, सब कुछ, तो बहुत ही अच्छा लगा सेम प्लेस पे दोबारा जाकर। एंड देन डे 8 है अभी। ओके गाइस, तो आज है डे 8 और ना आज सिया की पसंद के हिसाब से सौम्या ने पनीर की सब्ज़ी बनाई है ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ सिया। और लंच वगैरह करके मैं बच्चों को बाहर ले आई थोड़ा सा, तो ये सिया और भूमि एक्सप्लोर कर रहे हैं इधर उधर सराउंडिंग्स को। और फिर शाम के टाइम हम सोच रहे हैं आज बच्चों को फार्म लेकर जाएंगे, तो आज स्नैक्स में बना है चीज़ी नाचोज़। तो ये एक नई रेसिपी है जो मैंने सीखी सौम्या से, नाचोज़ उसके साथ कुछ कुछ चीज़ें ऐड करके, चीज़ ऐड करके उसको बेक कर लेना है। और साथ में चाय बना ली थी, तो इवनिंग स्नैक्स हुआ, बच्चों के लिए दूध रेडी कर दिया था। और फिर हम लोग जा रहे हैं लैम्ब फार्म, और लैम्ब फार्म जो है वो घर से अराउंड 15-20 मिनट्स ही दूर है। और स्पेशली बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ कुछ एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस थे, एक हे बैग था तो ये आप ख़रीद सकते हो और वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उन्हें खिला सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा फार्म एक्सप्लोर करते हैं। सो फार्म वगैरह मैं इंजॉय किया और डिनर के लिए डायरेक्ट वहीं से हम लोग पहुंच गए थे हैदराबाद हाउस। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा फूड मिलता है और इससे पहले भी हम कई बार हैदराबाद हाउस में आए हैं। तो सबसे पहले हमने गोभी मंचूरियन ऑर्डर किया था स्नैक्स में, जो कि काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद बिरयानी, पनीर और इस तरह की रेसिपीज़ ऑर्डर करी थी। तो बिरयानी यहाँ की बहुत फेमस है और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, बट बाय चांस आज की बिरयानी का टेस्ट ऐसा कुछ खास नहीं था, एकदम पुलाव जैसा फ्लेवर था। बट इससे पहले जब भी हमने हैदराबाद हाउस की बिरयानी खाई है, इट वाज़ वेरी गुड। अच्छा, वहाँ पे ना मैसूर पाक जो है ये काफ़ी अच्छा मिलता है, तो हमने एक दो पैकेट मैसूर पाक लिया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही एडिक्टिव होता है एक्चुअली ये, और मन करता है खाते ही रहो। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय एवरीवन।